रिसेशन का डर यूरोप के फाइनेंशियल मार्केट में छाया हुआ है। ये रिसेशन खत्म होते होते और भारी नुकसान पहुंचाएगा। यूरोपियन यूनियन भी ग्रीस को नहीं बचा सकता। स्पेन के गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो भी इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पुर्तगाल का भी ऐसा ही कुछ कहना है। सुनने में आया है कि इटली भी रिसेशन में है। यूएस इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया है कि उन्हें डर है कि दूसरे मुल्क अमेरिका के कंप्यूटर सिस्टम्स में नजर रखे हुए हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। बात बिल्कुल साफ है कि ये साइबर थ्रेट सबसे बड़ा और खौफनाक सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे देश के लिए। ये साइबर थ्रेट बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा सकता है हमारे स्टॉक मार्केट पर, न्यूक्लियर प्लांट पर, केमिकल प्लांट्स पर, जिसका असर हमारे देश में तबाही मचा सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया अब पैसिफिक रिम कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुका है और यूएस और उसके एलाइज के लिए इनका जुड़ना सचमुच एक चेतावनी है कि अब इन मामलों में उनका दखल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक साउथ कोरियन टीवी स्टेशन ने रिपोर्ट किया है कि नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग दो को दिल का दौरा पड़ा है। सुना जा रहा है कि किम जोंग उन, उनका तीसरा और सबसे छोटा बेटा उनकी जगह लेगा। बिना किसी एक्सपीरियंस के वो सीधा एक हाई मिलिट्री रैंक पर जा पहुंचा। बचपन में वो उनके पिता के लाडले थे, क्योंकि वो भी गुस्सैल थे ठीक उनके पिता की तरह। अब वो दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी को लीड करेंगे। इधर रूस के ही कुछ ग्रुप्स अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन ग्रुप्स की हिंसक लड़ाइयां भी बढ़ रही हैं। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में रूस और आर्मी भेज रहा है। एक सोवियत जॉर्जिया रूस और पश्चिमी ताकतों के बीच फंसा पड़ा है। हम रूस के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और कोरिया के खराब हालत को देखते हुए यूएस अपनी आर्मी वहाँ भेज रहा है। ऐसा करने से यूएस की रक्षा के लिए आर्मी बच ही नहीं है। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने च्यूनन शिप पर अटैक किया है। नॉर्थ कोरिया के योंगबियोंग आइलैंड पर अटैक करने पर साउथ कोरिया में आंदोलन की लहर उमड़ चुकी है। कई लोग इस अटैक को इंसानियत पर किया गया जुर्म मानते हैं। ऐसे हालात में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल नासमझी से बर्ताव कर रहा है। ऐसा करना उन पे बहुत भारी पड़ सकता है। नॉन अग्रेशन पैक्ट को तोड़कर नॉर्थ कोरिया ने एक और बड़ी गलती कर दी है। नॉर्थ कोरिया इस वक्त का सबसे नासमझ देश है। नॉर्थ कोरिया के लीडर ने ये ऐलान किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को खत्म कर देगा। नॉर्थ कोरिया अपनी मनमानी पर उतर आया है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सब करके नॉर्थ कोरिया आखिर क्या हासिल करना चाहता है? आखिर उनको हमसे क्या चाहिए? कौन सी तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग? कैसा खेल रहे हैं? बॉबरिंग तेरी तो पैंट बचा कर रहूंगा। देखते हैं कौन किसके बजाता है। 53 से बचो, 53 से बचो। टीम के लिए खेल रहा हूँ कोच। डैडी को कॉर्नर पे भेजो, उसको बोलो वहाँ से बिल्कुल मत हिले। नाइन नाइन सुनो, सब तुम पर है मैच, हमें ये गोल करना है। एक और वक्त चाहिए, सीधा गोल की तरफ ले जाओ। बहुत कम बचा है। गोल करो, गोल मैं करूंगा। नहीं उसको करने दो, तुम बस उसके पास रहो। और तुम क्या क्या कर रहे हो? स्कूल के वेबसाइट के लिए शूट कर रहा हूँ सर। इसमें गाली देना अलाउड है? नहीं सर। तो इस कैमरे को मेरे सामने से हटाओ। गोल नहीं हुआ और ये खेल खत्म। फाइनल स्कोर टाइटन 17 पर, वुल्वरीन 14 पर। अच्छी कोशिश थी वुल्वरीन, अगली बार और बेहतर। अच्छा खेला यार। हाँ पर गलती मेरी। ए लंगू, फाइनल्स में हम ही खेलेंगे, देखने आना तू। जा बे ढक्कन, मेरी वजह से जीत जाओ।
मारा क्यों मुझे? क्योंकि तुम्हारी टेंशन को दूर करने का यही एक तरीका है। भूल जाओ जो हुआ, हार सेलिब्रेट करें। फिर तो हर बार हारूंगा। पॉपी और झप्पी के आगे कब बढ़ेंगे यार? जल्द ही। जल्द ही? टर्की। तुम एयरफोर्स में थे ना? मरीन्स में था। अच्छा, मेरे कजिन भी है, तुम कहाँ थे? मैं नजाफ में था। और ओ अच्छा, कैलिफोर्निया के आसपास। ज्यादा दूर नहीं, इराक में है। एक और बियर मिलेगी प्लीज। स्कूल में मैं बेसबॉल टीम का कैप्टन था, ट्रैक एंड फील्ड के लिए भी ट्राई किया था। मुझे समझ नहीं आता, तुम लड़ किसके ले रहे हैं? Cheers. जे एकर्ट, टोनी। हाँ, टोनी वॉल्स। हाँ, हम दोनों का परिवार साथ में कैंपिंग करते हैं, याद है? तुम सबसे बड़े थे तो सबका ख्याल रखते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं किसी ग्रुप का लीडर था। बच्चों का लीडर, अच्छा टाइटल है। ओह, तुम्हारी मम्मी हम सबसे हमेशा अजीब से गाने गवाती थी। नहीं, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजरी होगी। हाँ। तो कितने दिन के लिए आए? कुछ ही हफ्तों के लिए। और उसके बाद? फिर जहाँ मुझे भेजा जाएगा मैं वहाँ चला जाऊंगा। Hey guys, कैसे हो? Hey Tony, हम लोग यही हैं। Hi. Hi. बाद में मिलते हैं। ठीक है। मैं ये ले सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लो। कैसी हो डार्लिंग? तो टोनी, बात आगे बढ़ी या नहीं? मैच अच्छा खेले। हाँ वाकई बहुत मजा आया। जा रहे? बहुत वक्त हो गया, कल बाप क्लास ले लेगा। चल यार, कल मिलता हूँ। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये किस वजह से हुआ है, पर सूत्रों के अनुसार। सुनो मैडी। बोलो। तुमने बताया नहीं तुम्हारा भाई आया है और वो बड़ा हैंडसम है। क्यों, तुम जानकर क्या करती? यार मैं भी जवान हो गई हूँ और दिखती भी अच्छी खासी हूँ। तुम आने वाले थे तो बता दिया, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा चादर नहीं मिली मुझे, सब जगह ढूंढ लिया। डैड, चादर नहीं चाहिए मुझे, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। चलता हूँ। हेलो गर्ल्स। हाय। आज ब्लैकआउट ड्यूटी पर, बहुत सारे पागल अंधेरे का फायदा उठाए। आपने मैच देखा? हाँ बेटा, पूरा मैच देखा। तुमने जान लगाकर खेला, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तुमने अच्छी टीम स्पिरिट दिखाई। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। Want a beer? Hey, Maddie, what are you doing? I'm getting a drink. Okay, you got a drink. Close the door. The power's out. Why not, man? Hey, can you obscure the perimeter or something? Rendezvous with Deuce Company?
बाहर क्या हो रहा है? अपने भाई का ख्याल रखना, सुना तुमने? जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। चलो चलो, नहीं बैठो, नहीं जेड, हमको एरिका के पास जाना है। कहाँ? आगे से राइट। कस के पकड़ो।
को लगी तो नहीं? मुझे नहीं पता मैट, शायद मैं ठीक हूँ। सुनो सुनो, उसकी वजह से हमें निकलना पड़ा, ठीक है? हाय, मैं पीट हूँ। शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। वो लोग यहाँ के नहीं है, सैन डिएगो से शायद। उनके आंखों के सामने उनके डैड को मार दिया गया। अच्छा, एक काम करो, इन लोगों के साथ जाओ और देखो अंदर क्या मिलता है। मैं जाके जनरेटर ऑन करता हूँ। जेड, हमें जाकर पता करना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी फैमिली, मेरी मम्मी वहाँ पर है। ये अब तुम्हारा काम है, तो जाओ कोई रेडियो या टीवी ढूंढो और उसे ऑन करने की कोशिश करो, ठीक है? पर जेड, हम यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते। जो बोला वो करो रॉबर्ट। ओके ओके। से हम लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, मामला बहुत संगीन है, चारों तरफ ब्लैकआउट हो चुका है। हाँ, रुको 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 रुको। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। बेवजह घर से बाहर निकलने पर दुर्घटनाएं घटने की पूरी संभावना बनी रहती है। दुर्घटना? अगर आप अपनों से बिछड़ गए हैं और आप ये नहीं जानते कि वो कहाँ है, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन पर फोन। अरे ये बंद क्यों किया? सब बकवास है। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारी बैंड बच चुकी है। ये क्या था? वो आवाज सुनी तुम लोगों ने? मैट, लाइट्स बंद करो, चलो मेरे साथ। तुम कहां जा रहे हो? मैं उन्हें चकमा देके यहां से दूर ले जाऊंगा। नहीं, तुम अंदर जाकर लाइट्स बंद करो और सबको बोलो कहीं छुप जाओ। मैं लाइट्स बंद करके जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। क्या करने को कहा था? मैंने गोली नहीं चलाई। सीधे मेरे भेजे में घुसने वाले। हमें लगा उन लोगों ने तुम्हें मार दिया। वो गन मुझे दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम हमारे लीडर नहीं जो हम तुम्हारी हर बात माने। तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या तू लीडर बनेगा? डैनी, तुम्हारे डैड ने बताया तुम यहाँ हो। तुम उनसे मिले? वो ठीक तो है ना? हाँ, पर वहाँ हालात बहुत खराब हैं। हमारी आर्मी कहाँ है जेड? पता नहीं। टोनी, कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैट, कैरी का भी यहाँ है? वो उनके कब्जे में। सब लोग अंदर चलो।
चलो उठो। क्या हुआ? वो गद्दार पीट और उसके दोस्त सारा खाना लेके भाग गए। तुम लोगों को यहाँ जो भी काम की चीज मिले जमा करो, ट्रक में डालो और जंगल में छुपा दो। वो गद्दार पीट जानता है हम लोग कहाँ हैं, तो सब लोग चौकन्ने रहना। मैं तुम मेरे साथ आओ। चलो उठो। नॉर्थ कोरिया? वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? बात इतनी सुलझी हुई नहीं है, जरूर उनकी कोई मदद कर रहा है। हर तरफ कब्जा किया है उन्होंने। मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी दूर सिर्फ स्पोकेन और सियाटल पर कब्जा करने आए। इस वक्त डैड कहाँ है? वहीं कहीं होंगे जहाँ उन लोगों को पकड़ के रखा गया है, जिनसे उनको कोई खतरा हो सकता है या जिनसे वो कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब एरिका भी वहीं हो सकती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहादुर, कुछ नहीं होगा उसको। सबको वहां से निकालना होगा। ये सब करना इतना आसान नहीं है मैट। हम बस इंतजार कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि हालात और ना बिगड़े। जेड, उन्हें उन्हें हमारा पता चल गया है। कोई भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, वो लोग यहीं पे थे। पता था ये गद्दार ऐसा ही कुछ करेगा। ओह नो डैरिल, तुम्हारे डैड है वहाँ। क्या? हटो हटो। चुपचाप नीचे बैठो। ओह नो योगी जो, मैं मेयर बोल रहा हूं और अब कैप्टन चो इस एरिया के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने उनके कई आदमियों को घायल किया है, लेकिन उनका वादा है कि अगर तुम लोग अपने आप को इनके हवाले कर देते हो तो ये किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सुना तुमने? बच्चों, डैरिल, तुम सुन रहे हो ना? घर वापस आ जाओ बेटा। मेरे ख्याल से डैड सही कह रहे हैं, हमें चलो हमला करते हैं। अपनी जगह से हिलो मत। लेकिन डैड इस पर भरोसा करने के लिए। बकवास बंद करो, कोई भी हिलेगा नहीं। बच्चों, अगर तुम लोग यहाँ हो और मुझे सुन सकते हो तो ध्यान से सुनो। हालात बहुत नाजुक है सब जगह, सोच समझ कर कदम उठाना। तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं, ये तुम जानते हो। जो मैं तुमसे करने को कहूंगा मुमकिन है बहुत मुश्किल हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों वही करो जो मैं करता। मैं चाहता हूं तुम इनसे लड़ो और रोको इस आतंक के चेहरे को, चाहे जान क्यों न चली जाए। Dad, no.
लेंगे। हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें वापस चलना चाहिए। मैडम सॉरी, पर मेरे पेरेंट्स अब भी जिंदा है। मुझे डर लग रहा है कि वो मेरे डैड को कुछ कर देंगे। डैड हमारी मदद कर सकते हैं। वो हमारी मदद नहीं कर सकते डैड, वो उनकी मदद कर रहे हैं। तुम बोलना क्या चाहते हो? यही कि वो अब उनके साथ है। तुमने खुद देखा, वो खड़े खड़े सब देख रहे थे। वो और कर भी क्या सकते थे? हमारे डैड ने एक रास्ता चुना, डैरल के डैड को भी एक रास्ता चुनना है, हम सबको चुनना है। हम लोग घर जा रहे हैं। रॉबर्ट, तुम्हारे पेरेंट्स वहां नहीं हैं। मैंने सब कुछ देखा पर तुमसे कह नहीं पाई। हम घर नहीं जा सकते, यहां छुप भी नहीं सकते, तो आखिर करें क्या? मैं उनसे लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। मेरे लिए ये मुश्किल नहीं क्योंकि मुझे इसकी आदत है। पर तुम सब लोग सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये रास्ता चुनो। ये रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। पर तुम जब अपने घर के लिए लड़ते हो तो अपने परिवार के लिए लड़ते हो। इसका दुख कम होता है और वजह सही होती है। उनके लिए भले ही ये जमीन का एक टुकड़ा है, पर हमारे लिए यह जमीन हमारा घर है। हम अगर इनसे आमने सामने लड़ेंगे तो हमारी हार ही होगी, पर अगर तुम लोग इतिहास में झांको और दूसरे देशों के ग्रुप्स को देखो तो एक बात साफ दिखेगी, अगर चींटी चाहे तो वो हाथी को भी गिरा सकती है। तो सबसे पहले हमें यह करना है कि हम एक साथ होकर वार करना सीखें, एक टीम बनकर। पर यह सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। गोली चलाना तो बहुत आसान है, सीखना यह है कि गोली चलाते वक्त अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए। हमें अपने आप में बदलाव लाना है, अपने दिमाग को चौकन्ना रखना है, कुछ नई चीजें सीखनी है और कुछ पुरानी आदतों को बदलना है। वहां इतने सारे लोग हैं कि वो अगर चाहें भी तो सब पे नजर नहीं रख सकते। तो हम भरोसा करने लायक और लोग ढूंढेंगे, वो लोग जो हमारे लिए उन पे नजर रखेंगे और हमें वो सब देंगे जो हमें उनसे लड़ने में मदद करेगा। हम उन पे नजर रखेंगे, वो क्या करते हैं, उनके हर दिन का रूटीन क्या है। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतनी आसानी से हम उन पर वार कर सकेंगे। हमें बस समझदारी से काम करना और शांति से सही वक्त का इंतजार करना होगा। हम उन पर तब अटैक करेंगे जब पूरी तरह से तैयार हो जाए। हम सब इस आजाद देश में पैदा हुए हैं, पर अब हमें इस देश को आजाद रखने के लिए लड़ना होगा। ये तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए तो पुराने हैं। हमें अच्छे हथियारों की जरूरत है। निकलो यहां से,
हथियार और गोलियां सब ले लो। रॉबर्ट तुम ठीक हो? जल्दी करो। मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं मार सकता। होगा तुमसे, चलो निशाना लगाओ। अब कंधे के पीछे एक गोली मारो, सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो और ट्रिगर दबाओ। रवि, क्या बात है? क्या करूं इसका? इस खून को चाय समझ के पीना, ये सब बकवास है। ये कोई बकवास नहीं है रॉबर्ट, आर्मी का रिवाज है, पी लो। इतना भी पूरा टेस्ट नहीं है इसका। अच्छा, तो फिर किसके जैसा टेस्ट है इसका? तुम्हें तो पता होगा। नहीं भाई, हमें हमने नहीं कभी हिरन का खून पिया ही नहीं है। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? यहाँ लगा। तो सब तैयार हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे पता नहीं। डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। उनके पास हमसे ज्यादा लोग और हमसे ज्यादा हथियार हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लोगों को यह बात बतानी है कि जंग अभी जारी है और हमें इस जंग में उनकी जरूरत है। उनके आर्मी के बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हमें उनकी जिंदगी बदतर बनानी है और उनके दिलों में इतना खौफ भरो कि वो यहां से भाग जाएं। जब मैं ड्यूटी पर था तो हम लोग हीरोज थे, ऑर्डर फॉलो करते थे, पर अब हम लोग उनके लिए विलन्स हैं और हम तबाही मचाएंगे। चलो उठो।
तो कैप्टन जो है। ये होमिदा चंगुंग चलाए हो। चलो यहां से। हमारे पास 15 सेकंड है। ये लोग कौन है? ये अमरीकी, उनके साथ देश के गद्दार। सब रेडी हो जाओ, पोजीशन ले लो। चीज डालू, बहुत सारा चीज, और हाँ एक्स्ट्रा मेयो भी, थोड़ा चिकन भी। हाँ हमें देखा उन्होंने, मुझे नहीं पता, तुम खाना भरो, सारी चीजें डाल दो। मैं तो ये बहुत मिस कर रहा हूँ। पता है मैं क्या मिस कर रही हूँ? पिज़्ज़ा। और मैं साफ सुथरे टॉयलेट्स को। और मैं अपने वीडियो गेम्स को। अपनी जिंदगी अब वीडियो गेम बन चुकी है, कभी भी गेम ओवर। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, मैं लड़कियों को मिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम जैसी नहीं, वो जो हॉट हो, सेक्सी हो, एकदम फटाका हो। अच्छा। जैसे कोई चॉकलेट केक। तुम्हें, तुम मैट, तुम बताओ तुम क्या मिस कर रहे हो? मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें गलत लगेगा, इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। क्या गलत लगेगा? कि तुम इन सबकी जान खतरे में डाल रहे हो? हैरी का भी वहीं है जय। और उसे ढूंढते हुए तुम पकड़े गए तो क्या? अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे ढूंढते नहीं। नहीं ढूंढता, अगर ऐसा करने से बाकी लोगों की जान को खतरा होता। तुम में और मुझ में फर्क है जय। हाँ फर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये टीम है, और ये बात अपने दिमाग में डाल लो। एरिका मेरा परिवार है जय, तुम्हें क्या पता परिवार क्या होता है? नहीं पता, पर ये पता है तुम सबको मरवाओगे।
चो तक पहुंचने का रास्ता। रैली मेन स्क्वायर में 2 बजे होगी। पिछली बार जैसा किया वैसा ही करेंगे। यहाँ पे एक कार को बम से उड़ाएंगे, लोग हट जाएंगे, आर्मी अंदर आएगी और उसी वक्त हमारा ये सबसे पावरफुल बम स्टेज के नीचे फटेगा और कैप्टन चो का दी एंड हो जाएगा। वी लोग आपके दुश्मन नहीं, क्योंकि आप पर भी अत्याचार हुआ है। अत्याचार इस अमेरिकन कल्चर का, जिसने सबको लालची, धोखेबाज और करप्ट बना दिया। अत्याचार उस गवर्नमेंट का, जिसने सिर्फ अमीरों का साथ दिया उन्हें और ज्यादा अमीर बनाने के लिए। हमें पूरा यकीन है कि सही लीडर के सहारे और आपकी मदद से इस देश में सुधार लाया जा सकता है। पहले से कहीं बेहतर और साफ सुथरी जिंदगी मिल सकती है आपको, पर इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। हमारे कमीना कहीं का। क्या हुआ? जो के पीछे जो आदमी बैठा है वो रशियन है। इसका क्या मतलब? मतलब कि वो सब जगह नजर रखे हुए हैं। ये लोग एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में। ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग ढूंढ सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। हमारे लिए बुलाया गया है। अगर बुलाया है तो बुलाने में थोड़ी देरी कर दी। वादा करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप सबका भविष्य बेहतर होगा अगर हम एक साथ काम करें। हम यहाँ आपको एक अच्छी जिंदगी देने आए हैं। एक मिनट है हमारे पास। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज रात से कर्फ्यू फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये कर्फ्यू आप ही की भलाई के लिए लगाया जा रहा है। कर पाओगे? आप सभी से ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप बीते दिनों में हमें सहयोग दे रहे थे, वैसे ही आप आगे भी सहयोग देते रहेंगे। कर्फ्यू का पालन करिए। मैं आपको बता दूं कि हमने यूनाइटेड वर्कर्स रिफॉर्म के मिलने जुलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। आतंकवादी ग्रुप वोल्वरीन को खत्म कर सके। उड़ा दो। बंदूक नीचे करो, कोई गोली नहीं चलाएगा। उन्हें बम मिल गया।
अंदर जाओ। जो चाहिए ले लो। डैनी, मुझे कैंची चाहिए। बहुत अंधेरा है यहाँ। टोनी, मुझे बर्फ चाहिए, प्लीज ले आओ। तुम अंदर मत जाओ। क्यों? जूली गुस्से में है। मैंने क्या किया? जब तुम इस ग्रुप को छोड़कर भाग रहे थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, तब तुम्हारी मदद करने की कोशिश में ग्रेग मारा गया। कुछ दिनों पहले कुछ रशियन सोल्जर्स वहां स्टेडियम में आए थे। मुझसे पूछ रहे थे कि तुम लोगों को कौन जानता है और कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। उनके पास कुछ नामों की लिस्ट भी थी। जेड, हमारे सारे कॉन्टैक्ट शहर में हैं। हमें उनको, हमारा काम सबको बचाना नहीं है। हम सबको नहीं बचा सकते। क्या इसका मतलब हम उन्हें नहीं बचाएंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यह सबूत है कि तुमने आतंकवादी ग्रुप वोल्वरिंस की मदद की है। कई दिनों से गायब है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। हाँ, मुझे भी। चंगुन वासा, चंगुन। इधरें सकी ताशी चासा, इमिन्दल दो इरनस्ता। वे कु योगी चिकन मिलन्जी कुंगो माओ इयुगा। उरीगा जागनन सकीदरी, ता ओनल 죽일 겁니다. 두고 보지. 물론 동무가 실수할 땐 내가 한다.
여완 있습니다. 또 말로만! 걔야! तुम यहां क्या कर रहे हो मैट? हथियार छिपा रहा हूं, देख रहा हूं सब ठीक तो है ना? बहुत अच्छे, ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम ही अकेले। ताने मारना बंद करोगे जेड? नहीं बंद करूंगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था और इसीलिए तुमने अपने ग्रुप मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम खुद बताओ मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? तो मत करो भरोसा। तुमने क्या सोचा था हाँ? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही गम है? अपने दोस्त के मरने का गम कब तक मनाओगे? ये एक जंग है, अपने आंसू पोछो वापस आओ, लड़ाई जारी रखो। बंद करो जेड, मैं तो सिर्फ 3 दिन के लिए गया, पर जब मोहम मरी तो तुम 6 साल के लिए चले गए थे, है ना? हाँ मैट, हाँ तुम सही हो, मैंने गलती की, भाग गया जब जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। माफ कर दो मुझे, मेरी की गई गलती तुम्हें नहीं दोहरानी चाहिए। मॉम डैड अब दोनों चले गए हैं, बस करो, बचे हैं सिर्फ हम दोनों। इस ग्रुप में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तो बस तुम्हारी। ठीक है, जो सही लगे वो करो। ये मैसेज हम बोल में लड़ रहे ग्रुप के लिए है, तुम्हारा वक्त आ गया है। सुना तुम लोगों ने, तुम्हारा वक्त आ गया है। हमारे दुश्मनों को घुटने टेकने में ज्यादा देर नहीं। ये मैसेज स्पोकन के वुल्वरिन के लिए है, एक खूबसूरत गाना कैंडल इन द विंडो। अपनी लड़ाई जारी रखो देशभक्तों। वुल्वरिन सुना तुमने? व्यू अच्छा है ना? बहुत अच्छा। काश इसे देखते हुए मुझे लॉरी स्टुअर्ट की याद नहीं आई होती। किसकी? लॉरी स्टुअर्ट। कौन? कैंपिंग गए थे छुट्टी के दिनों में। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। हमने बड़ा सा बारबेक्यू बनाया था और जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजन हो गया था और सारी रात में पॉटी करती रही, और तभी मैंने तुम दोनों को लेक पर जाते हुए देखा था। ओहो, अब याद आया। हाँ वही। अच्छा। याद आया। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी किसर थी, पर उसके मुंह से तो बदबू आती थी। क्या कह रहे हो? सच में? सही कहा तुमने। और उसका वो गंदा सा हेयर स्टाइल। हाँ वही हेयर स्टाइल मैं कॉपी करती थी स्कूल में, पर तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। नहीं देखा था मैंने, डरावना स्टाइल था। ये क्या था? चलो चलो। हम अंदर सेफ हैं, मुझे नहीं लगता। जोली, जोली।
नहीं बची। डैडी, उठो, डैडी। चलो मेरे साथ। डैडी, वो भी नहीं बचा। डैडी, मेरी बात सुनो। चलो निकलो यहाँ से, अपने हथियार ले लो। चलो जल्दी करो, जल्दी। भागो। चलो मैट रुको मत। मैं मदद करूंगा। लाओ मुझे तो। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो चलो। ये लो। जेड, जाकर थोड़ी देर सो जाओ। मैं ठीक हूं। ये जो हुआ, आखिर एक ना एक दिन तो ये होना ही था मैट। मैंने सबसे बात की जेड। उनको तुम पे विश्वास नहीं है, फिर भी कोई ग्रुप छोड़ के जाना नहीं चाहता है। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है मैट? अपने आंसू पोंछ लो चैट। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। अपने हथियार फेंको, फिर अपना चेहरा दिखाओ। हम लोग यहां कहां अटक गए? मैं सर्जन मेजर एंड्रू टेलर, मरीन कॉर्प से। हम लोग मिलिट्री के लोग हैं। रिटायरमेंट से वापस आए हैं। कहां से हो? कैंप पेंडलटन। अब वहां कोई कैंप पेंडलटन नहीं है। अब हम लोग फ्री अमेरिकन आर्मी के मेंबर हैं। सिर्फ तीन ही और कोई नहीं? तुम तीन लोग क्या कर लोगे? ए, तुमने सुना नहीं क्या? तुम एक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन का मजाक उड़ा रहे हो। देखो, हम लोग इस एरिया के एक ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए उनको ढूंढ रहे हैं। उनका नाम है वुल्वरिन्स। सुना है उनके बारे में? बहुत कुछ सुना है। तुम लोग उनकी मदद करने आए हो? नहीं, हमें उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे। हमारा कैंप यहाँ नीचे की तरफ है। हमारे पास पानी है, दवाइयां हैं और एक कैंप यहाँ से 6 मील की दूरी पर है। खाना खाते ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे।
हम हैं वुल्वरीन्स। खोदा पहाड़ निकला चुका। तो ये सब हुआ कैसे? हमारी आर्मी ने कुछ किया नहीं? आर्मी ने हथियार डाल दिया। वो घबरा गए थे। एक नए टाइप का हथियार है उनके पास, जिससे ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। एक झटके में उन्होंने सारी चीजें बंद कर दी, सब कुछ पूरी तरह तबाह कर दिया। उनका आखिरी वार था शहरों पर बम से अटैक करना, फिर जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ आर्मी को तैनात किया। रशियंस ने कितनी मदद की? समुद्र वाले इलाके भी उन्होंने कब्जे में कर लिए। रशियंस ने उनको हार्डवेयर और एयरक्राफ्ट सप्लाई किया और नॉर्थ कोरिया ने पूरा नॉर्थ वेस्ट कब्जे में कर लिया। मतलब सब खत्म? खत्म? ये क्या है? राइफल है। बिल्कुल सही जवाब, एक मरीन और उसकी राइफल। जब तक ये चलते हैं कुछ खत्म नहीं होता। मैं अभी तक जिंदा हूँ तो जंग जारी है। वैसे भी अच्छी बात यह है कि उनका भारी नुकसान हुआ है। इस देश में हमारे जैसे और भी लोग हैं जो अब तक लड़ रहे हैं। मिशिगन से मोंटाना तक, अलबामा से एरिजोना तक अब भी हमारा देश आजाद है। हम बॉर्डर से बस 50-60 मील की दूरी पर हैं। सही कह रहे हो, कई जगह हैं जहां लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। फ्लोरिडा में घमासान युद्ध चल रहा है, टेक्सास मेक्सिकन बॉर्डर पे भी यही हाल हफ्तों से है। क्योंकि तुम जैसे लोग अब भी हार नहीं मान रहे। ये बदलाव तुमने लाया, बल्कि तुम ही लोग उम्मीद की किरण हो। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उनके हथियार और गैजेट्स को बेकार कर देना चाहिए। तुम लोगों ने कभी किसी के हाथ में ऐसा कुछ देखा है? मैट, जरा तुम्हारा फोन तो दो। क्या बात है वुल्वरिन्स? क्या है उसमें? ये उनकी सिक्योर फोन लाइन है जिसका सिग्नल कोई नहीं पकड़ सकता और कोई हैक भी नहीं कर सकता। अगर हमको ये मिल जाता है तो ये शुरुआत होगी उनको देश से बाहर निकालने की और अपना देश वापस हासिल करने की। तो तुम इसको चुराना चाहते हो? जल्द से जल्द। स्टेशन को उन्होंने चारों तरफ से बंकर लगाकर सेव कर रखा है। टेम्पररी घर भी बनाया है ताकि सिपाही ड्यूटी के बाद भी कहीं दूर नहीं जा सके। हर वक्त लगभग 20 लोग इसकी सुरक्षा करते हैं। हथियारों का तो भंडार है। ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लो, हम अंदर नहीं घुस सकते। एक तरीका है। क्या? कूद कर? हाँ, यही एक तरीका है। इसको तरीका नहीं, मौत को दावत देना कहते हैं। मुझे कवर करो। आजकल के बच्चे अजीब होते हैं। जिस तुम मेरे साथ आओ, इसमें तुम यहीं रुको और जैसे ही तुम लोगों को लगे कि वो हम लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, लड़कियों को बोलना कि उन्हें जो बोला गया है वही करें। किसी को आइडिया है कि वो ग्रीन बॉक्स कहाँ रखा होगा? जहाँ ये वायर जाता है वहाँ।
मौत का खेल अब शुरू होगा बच्चों। अब सुनो, हमारा वायर तीन अलग अलग रास्ते से जा रहा है, मतलब एक और मुसीबत। तो अब प्लान ये है कि तुम दोनों पीछे के रास्ते से जाओ जो वायर ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाता है। जेड, मैट, तुम दोनों यहाँ रुककर बाकी के दो वायर्स ढूंढो, और जिस तुम मेरे साथ आओ हम एंट्री पॉइंट को सील करेंगे। इस बॉक्स को ढूंढने के बाद हम अपने बेस पर वापस चलेंगे। तुम सभी को शहादत मुबारक हो। क्या कहा चाचा ने? उस पर ध्यान मत दो, मरीन्स मरते नहीं, जहन्नुम में जाकर फिर एक साथ हो जाते हैं। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? लोग इतने पागल भी नहीं है कि वो बॉक्स सोफे के नीचे रखेंगे। तुम्हें कैसे पता? उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई मसालेदार डीवीडीज़ नहीं है तुम्हारे वाली। तैयार हो जाओ। कहो तुम स्मिथ, सिग्नल दो। चलो लड़कियों, दिखा दो जलवा। Grenade se bachou!
मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैट इसे यहां से लेकर निकलो, जाओ। ये लेके यहां से निकलो रॉबर्ट। बॉक्स कहां है? सेफ है। ठीक है, निकलते हैं यहां से। जख्म बहुत गहरा है। हाँ, पर दुखता नहीं है। It's okay. Hi. Matt. Hey. कुछ नहीं हुआ। मैं अभी आता हूं। जल्दी आना। दो मिनट बात कर सकता हूं तुमसे? हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं मुझसे ये सब नहीं होता यार। क्या नहीं होता? तुम्हारी तारीफ करना जब तुम अच्छा करते हो, और तुमको ये बताना कि मुझे तुम पर गर्व है। हाँ जेट, तुम्हें ये सब करना नहीं आता। नहीं नहीं, नहीं आता है, पता है। तो अब तो मेरे साथ बियर पियोगे? वाह, तुम्हारे साथ पहली बार। और तुम्हारी बियर? मेरी बियर उसने चुरा ली है। जाओ लेकर आओ। Come on!
और देखना कोई पीछा तो नहीं कर रहा। मैं आता हूं, तुम जाओ। संभालो संभालो अपने आप को, हिम्मत रखो। टैनर, वहां से निकलने का रास्ता है। हां जल्दी करो, चलो चलो निकलो, निकलो जल्दी निकलो। वो वहां कैसे पहुंचे? उस जगह का पता कैसे चला? उन्होंने हमारा पीछा किया होगा। वो हमारा पीछा नहीं कर सकते। डरेल, अपना जैकेट निकालो, जख्म दिखाओ। शिट, क्या हुआ? ये चाकू का घाव नहीं है, उन्होंने इसमें चिप घुसा है। ये उन रेशंस की चाल है। क्या? तो ऐसे पता चला? डेरिल, तुमने नहीं, तुम्हारी वजह से वो यहाँ मुझे नहीं मालूम था। तुम्हारी वजह से बोला क्या तक पहुँचे? तुमने नहीं टोनी, अपने आप को संभालो टोनी। तुम्हारी वजह से वो मारा गया। छोड़ो मुझे। तुम वो चिप निकाल सकते हो ना रॉबर्ट? काट के निकाल दो। मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे निकालूं? मैट, हमें आगे बढ़ना होगा। सब लोग कार में बैठे हो, हम लोग इस तरह यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं, वो हमें ढूंढ लेंगे। हम और कर भी कह सकते हैं। रॉबर्ट, मुझे कुछ चाहिए। क्या? वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ये गन मुझे दे दो। तुम में से कोई हमारे साथ आना चाहेगा? अभी बहुत जगह बाकी है। तुम्हारे दोस्तों के खोने का दुख है मुझे। हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है दोस्त।
तुमने बहुत किया, जरूरत से ज्यादा। साथ देने के लिए शुक्रिया। सच्चाई यह है कि हमने बच्चे होते हुए भी बहुत कुछ कर दिखाया और आगे भी करेंगे। हम इंसाफ पाने के लिए लड़ते रहेंगे मरते दम तक, आखिरी सांसों तक। अब से तुम सबको अपना अपना रास्ता चुनना है। इस रास्ते पे चलना आसान नहीं, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। पर जब तुम अपने घर के लिए लड़ते हो तो तुम अपने परिवार के लिए लड़ते हो, इसका दुख कम होता है लेकिन वजह सही होती है। उनके लिए भले ही ये एक जमीन का टुकड़ा है पर हमारे लिए ये जमीन हमारा घर है।